अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं तिक्का मलाई बोटी बनाने लगी हूँ। इसमें जो जो चीज़ें जाएंगी मैं आपको बताती हूँ। इसमें जो है ना, ये तिक्का जो है मसाला ये जाएगा, इसमें ये थोड़ा सा फूड कलर जाएगा और थोड़ा सॉल्ट और थोड़ी काली मिर्च जाएगी इसमें, और ये योगर्ट जाएगा और ये गार्लिक और अदरक का पेस्ट वो जाएगा, और ये चिकन बोनस है और ये क्रीम है ये जाएगी। तो अभी इसे मैरिनेट करते हैं, फिर आगे मैं बताती हूँ कैसे बनाते हैं हम। अभी इसे चिकन को डालते हैं और साथ ही योगर्ट भी डाल देते हैं, गार्लिक ये पेस्ट भी डाल देते हैं, ये मसाले भी डाल देते हैं इसमें। ये मैंने मैरिनेट कर दिया था, इसे आधा घंटा हो गया इसे, तो अब थोड़ा सा इसे जो है ना डाल के पका लेते हैं। उसके बाद जो है ना आगे हम थोड़ा सा इसे ग्रिल करेंगे और फिर जो है ना क्रीम डालेंगे इसमें। अब देखिए ये जो है ना थोड़ा सा पक चुका है। अभी जो मैंने इसे ग्रिल करना है उसके बाद क्रीम डालनी है इसमें। ऐसे हो जाए तो फिर आप इसे उतार लें, फिर आप थोड़ा सा इसे ग्रिल कर लें तो फिर क्रीम डालें, तो फिर देखें ये मलाई बोटी कैसे रेडी होती है, इतनी मज़ेदार होती है। ये देखें आप, मैं इसे ग्रिल कर रही हूँ इसे इधर, तो अभी ये ग्रिल हो जाएगा तो फिर इसके बाद मैं इसे क्रीम डालूँगी, तो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आप ऐसे करके ना ये बहुत मज़े का बनता है मलाई। अभी मैं ये क्रीम डालूंगी इसमें। अभी मैं डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ आगे। माशाल्लाह बहुत मजे का लग रहा है तिक्का मलाई बोटी। ये देखें फाइनल लुक ये है टिक्का मलाई बोटी की। माशाल्लाह बहुत मज़े का लग रहा है, तो आप भी ऐसे बनाएं, एंजॉय करें। आसानी से जल्दी से बन जाता है, घर में मौजूद होती हैं चीज़ें, बाहर से लाने की ज़रूरत भी नहीं होती। जल्दी से आप बनाएं, बच्चों को दें, एंजॉय करें, तो मेहमान भी कोई आ जाए तो जल्दी से आप बना सकते हो ऐसे। तो अभी मैंने ये बना दिया है, अभी बच्चे खाएंगे एंजॉय करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक और शेयर करना, कमेंट करना, बताना आपको कैसी लगती है मेरी वीडियो। तो आने वाली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।